बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ। इन स्वरों पे काफी भजन और गाने हैं जो आप निकालना सीख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको स्वर ज्ञान सीखना होगा। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, कुछ भी गुनगुना रहे हैं, जो हमारे दिल में आता है वो स्वर हम हारमोनियम पर बजा रहे हैं, और इसके साथ में हमिंग में और आकार में हम रियाज कर रहे हैं। हुए आखनम और ये दिल मुस्कुराया तो साथी कोई बुला याद आया। तो इस तरह के गाने भी दोस्तों आप निकालना सीख जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PRK म्यूजिक क्लासेज में। तो दोस्तों, स्वर ज्ञान का एक और इम्पोर्टेंट लेसन मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ, जिसमें हम एफ सारप तीसरी काले से हारमोनियम पर स्वर ज्ञान सीखेंगे। इस लेसन में ना ही कोई सरगम या अलंकार आपको बताने वाला हूँ, देसी तरीके से हम हारमोनियम पर स्वर ज्ञान सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें हम कौन कौन से स्वर प्रयोग में लेंगे। एफ सारप तीसरी काले से देखें तो सा शुद्ध रे, कोमल गा शुद्ध मा पा, कोमल धा कोमल नी और तार सप्तक का सा, और मंद्र सप्तक में कोमल नी और कोमल धा का हम प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, भारतीय संगीत पद्धति के अनुसार देखा जाए तो ये थाट आसावरी के स्वर है। आपको रियाज कैसे करना है, बिना स्वरों को क्रमानुसार लगाए ये रियाज करना है। और दोस्तों, स्वरों को बिना क्रमानुसार लगाए अगर आप रियाज करते हैं स्वर ज्ञान का, तो कौन कौन से गाने या भजन आप निकाल सकते हैं, तो कुछ गाने और भजन भी इस लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको स्वर ज्ञान के लिए रियाज कैसे करना है। सा से ये जरूरी नहीं है कि आप रे लगाएं, सा से आप नी भी लगा सकते हैं, सा से आप धा भी लगा सकते हैं, या सा से आप गा भी लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो आपका दिल करे वो स्वर आप लगा सकते हैं। आकार में हमिंग में हमें सबसे पहले रियाज करना है, और बाद में इन स्वरों पे हमें कुछ ना कुछ गुनगुनाना है, जैसे हरे कृष्णा हरि ओम राधे कृष्णा। तो कैसे करना है रियाज, सबसे पहले स्वर दबाएं, उसके साथ में हमिंग करें, और ये स्वर गाते गाते ही आपको सोचना है कि मुझे अगला स्वर कौन सा लगाना है। जैसे दोस्तों, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना ही आपको जरूरी नहीं है, जो आपके दिल में आता है वो स्वर आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने सा से अभी गा लगाया, आप सा से नी लगा सकते हैं। कहने का मतलब है जो आपका दिल करे वो स्वर आप लगा सकते हैं, और जो आपका दिल करे वो आप गुनगुना सकते हैं। तो कैसे करना है, बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए। तो दोस्तों, इन स्वरों पे काफी भजन और गाने हैं
जो आप निकालना सीख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको स्वरज्ञान सीखना होगा। और स्वरज्ञान के लिए ही मैंने आज का ये लेसन बनाया है, ताकि आप अच्छे से स्वरज्ञान सीख सकें। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सके। क्या कर रहे हैं दोस्तों, कुछ भी गुनगुना रहे हैं, जो हमारे दिल में आता है वो स्वर हम हारमोनियम पर बजा रहे हैं, और इसके साथ में हमिंग में और आकार में हम रियाज कर रहे हैं। ये हमारा मूल स्वर है। एफ शार्प को हमने अपना स्केल माना है। सा से पा पे जाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों सा और पा अचल स्वर है। कोई भी गाना अगर सा से शुरू होता है या गा से शुरू होता है, तो उसके जो अंतरे की शुरुआत होती है वो ज्यादातर पा स्वर से होती है। पा स्वर से भजन या गाने का उठाव ज्यादा होता है, तो सा से पा पे जाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। गाने भी दोस्तों आप निकालना सीख जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि हारमोनियम सीखने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, रियाज ही राजा होता है। जितना आप स्वरों के साथ में अभ्यास करेंगे, हारमोनियम के साथ में समय बिताएंगे, उतना ही जल्दी आप हारमोनियम सीख पाएंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि गाने या भजन की जो शुरुआत होती है वो या तो सा स्वर से होगी, या गा से, या पा से। गा कोमल भी हो सकता है, गा शुद्ध भी हो सकता है। पा हमारा मध्य सप्तक का भी हो सकता है, और पा हमारा मंद्र सप्तक का भी हो सकता है। इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जैसे एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, तो ये गाना सा से शुरू हो रहा है। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए। और अभी हमने गुनगुनाया था हुई आखनम, इस गाने की शुरुआत पा से हो रही है। हुई आखनम और ये दिल मुस्कुराया तो साथी कोई भूला याद आया। और एक गाना और बताता हूँ मैं आपको, जैसे होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? मूल स्वर अपना साई है, लेकिन इसकी शुरुआत शुद्ध गा से होती है। होठों से छू लो मेरा गीत अमर कर दो। तो सा गा पा ये इम्पोर्टेंट स्वर है, इस पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। आज जो रियाज मैं आपको बता रहा हूँ वो गाने निकालने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको स्वरज्ञान के लिए रियाज बता रहा हूँ। अगर आप स्वरज्ञान सीख जाते हैं तो उसके बाद में कोई भी गाना या भजन आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो स्वरज्ञान के लिए और किस तरह से आप रियाज कर सकते हैं? आ
एक स्वर को एक बार, दो बार, तीन बार या इससे भी ज़्यादा बार आप प्ले कर सकते हैं। जहाँ आपका दिल करे वहाँ आप रुक सकते हैं, जो आपका दिल करे वो आप गुनगुना सकते हैं। जैसे हरे कृष्णा, हरे तो दोस्तों आपने देखा इस भजन की शुरुआत सा स्वर से होती है, पा का टच लेते हुए। तो इसमें शुद्ध गा का भी प्रयोग होता है, कोमल गा का भी प्रयोग होता है, तो इन चीज़ों पर भी थोड़ा ध्यान देना होता है। तो जब आप स्वर ज्ञान सीख जाते हैं तो आप अपने आप से ये चीज़ें कर पाते हैं, स्वरों के उतार चढ़ाव को समझ पाते हैं, स्वरों के बीच में जो दूरी होती है उसको समझ पाते हैं। जैसे सा से गा के बीच कितनी दूरी है, रे से सा की दूरी, तो ये दूरी कम है ये ज्यादा है, तो तो दोस्तों अनेक रियाज होते हैं जो आप खुद से भी कर सकते हैं। और स्वर ज्ञान के लेसन अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप विजिट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का लेसन, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई सवाल हो तो कमेंट करना ना भूलें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।